दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार विश्व कप का खिताब जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मैच में शादाब खान के साथ हुआ जानलेवा हादसा। बीच मैदान में शादाब खान हुए बेहोश, जिन्हें अफरा तफरी में अस्पताल में ले जाया गया। ये हादसा देख कर स्टेडियम में बैठे दर्शकों के भी रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर शादाब के साथ बीच मैदान में कैसे हुआ हादसा, कैसे हुए बीच मैदान में बेहोश, कैसी है उनकी हालत, ये सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप का 26वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की टीम केवल 270 रनों पर 47 ओवर में ही ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 50 रनों की पारी खेली और अंत में साउद शकील ने 52 रन और शादाब खान ने 43 रन बनाकर टीम के स्कोर को ठीक ठाक तक पहुंचा दिया। लक्ष्य का पीछा करने जवाब में उतरे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज डेकॉक और टीम के कप्तान तेम्बा बवुमा, दोनों बल्लेबाजों ने टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। लेकिन मुकाबले के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरत में पड़ गए। शादाब खान ने गेंद को पकड़कर उसे विकेट में थ्रो करने का प्रयास किया, लेकिन उनका पैर थ्रो मारते समय फिसल गया और वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए और जमीन पर गिर पड़े। इसी दरमियान उनका सर बहुत जोर से जमीन में लग गया और वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इसके बाद वो खड़े नहीं हो पाए और तुरंत सभी खिलाड़ी उनके पास आ गए। उनकी हालत देखकर खिलाड़ियों ने आनंद फानंद में फिजियो से लेकर स्ट्रेचर को मैदान में बुलाया और लेटाकर शादाब खान को मैदान के बाहर ले जाया गया। उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, जिसके कारण उन्हें मैदान के बाहर ले जाकर ट्रीटमेंट शुरू किया गया और स्टेडियम में बैठे दर्शक से लेकर पाकिस्तानी फैंस उनकी सलामती की दुआ करने लगे। हर कोई यही दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द मैदान में वापस आए और अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दें। तो दोस्तों, ये हादसा देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। लेकिन आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में कौन दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छे हो तो इसे लाइक जरूर करें।